नमस्कार, आप देख रहे हैं भद्राश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दुल्हन की तरह सजा दिए गए हैं मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। योग गुरु बाबा रामदेव, विभिन्न मंदिर व मठ के महंतगण, उद्योगपति व अन्य गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है। वहीं महानायक अमिताभ बच्चन भी आमंत्रित किए गए हैं। विपक्ष के नेतागणों को भी इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। वैसे यह स्टेडियम 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता रखता है, परंतु 20,000 कुर्सियों को भी दर्शक दीर्घा में लगाई गई है। संभावना है कि आमंत्रित लोगों में 70,000 की भारी भीड़ की संख्या यहाँ मौजूद रहेगी। अतिरिक्त जनतागण भी शामिल होंगे तो लाखों की संख्या में आज यह स्टेडियम अपना रौनक बढ़ाएगा। खूबसूरती व स्वागत के लिए 10,000 गमलों में सुंदरता प्रदान कर सजाया गया है, जिसके साथ 9 हेलीपैड बनाए गए हैं। 50,000 फीट की वॉल पेंटिंग लखनऊ की दीवारों पर अद्भुत शोभा पा रही है। आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके साथ 2 डिप्टी CM भी शपथ लेने वाले हैं। साथ ही 45 से 50 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इस नई कैबिनेट में 7 से 8 महिलाओं को भी मंत्री पद मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं इस बार मंत्री पद के लिए ज्यादातर युवा चेहरे शामिल किए गए हैं। इस भव्य मंच पर 70 कुर्सियां लगाई गई हैं। आज सुबह से ही 27,000 मंदिरों में कार्यकर्तागण पूजा करने में लगे हैं। शपथ से पूर्व मथुरा, काशी, अयोध्या के मंदिरों में शंखनाद होने की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग अंदाज उत्साह शपथ से पूर्व इस तरह का इतिहास रचने वाला है, जिसमें प्रथम देवी देवताओं की पूजा और योगी आदित्यनाथ के शपथ से पूर्व संगनाथ का बजना लोग सदैव याद रखेंगे। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में 200 से ज़्यादा स्क्रीन पर शपथ ग्रहण का लाइव प्रसारण देखा जा सकेगा।